हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आज मैं आपको बताने वाला हूं एक इन्वर्टर को रिपेयर करना, जो कि ये माइक्रोटेक का इन्वर्टर है और इसमें 1250 मॉडल है इसका। ये इन्वर्टर जो है और इसमें जो है मॉस्फेट वगैरह इसकी सब हो गई हैं शॉर्ट। और ये देखिए फुली कितना जला है कि ये पूरी प्लेट डेड हो चुकी है। इस प्लेट को रिपेयर करना कोई मतलब नहीं, एक दो बार रिपेयर भी हो चुकी है। और यहाँ देखिए मॉस्फेट इसके फट गए हैं और इधर भी देखिए मॉस्फेट किस तरीके से जले हुए हैं, पूरा ही सर्किट इसका ये जल चुका है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसको पूरा निकाल दिया है और देखिए एल्युमिनियम वाइंडिंग में इन्वर्टर है ये और माइक्रोटेक का है ये। और इस पर अब हम नई पीसीबी डालने वाले हैं, तो मैं 1-to-1 किट डालने वाला हूं, जो बहुत ही प्रचलित किट है और इसे सब लोग जानते हैं। और दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, इसमें जो है हम 1-to-1 किट डाल के इसको पूरा नया करने वाले। तो इस किट को मैंने खोल लिया, सारे कनेक्शन भी बाहर कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें न्यू किट डालेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये किट जो है इसको मैंने निकाला है अभी इन्वर्टर से, और ये किस तरीके से ब्लास्टिंग हुई है और ये पूरा इन्वर्टर ख़त्म हो गया है, बिल्कुल डेड हो गई है पूरी पीसीबी। तो हम इस पर देखिए न्यू पीसीबी, ये आप देख पा रहे हैं इस पीसीबी को लगाने वाले हैं। बहुत ही मजबूत हीट सिंक के में है और वो सेम वैसे ही फिटिंग हो जाएगी इसकी, और बहुत ही अच्छी पीसीबी है। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस पीसीबी को आप किसी भी इन्वर्टर में लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी पीसीबी ये होती है। ये कोई भी इन्वर्टर आपको ख़राब पड़ा हो उसमें आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको इसमें सेटअप करेंगे और इसके कनेक्शन वगैरह भी हम करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों आइए देखते हैं। आपको मैंने बताया था कि पीसीबी को चेंज करना है, तो मैंने पीसीबी को चेंज कर दिया है और आप इसमें देख पा रहे हैं इसमें मैंने न्यू पीसीबी को इंस्टॉल कर दिया है। और ये 1-to-1 किट है, इधर मैंने कैपेसिटर वाला छोड़ दिया है क्योंकि इसमें पहले से ही कैपेसिटर लगा हुआ है, ये देख पा रहे हैं आप रेजिस्टेंस के साथ में। तो दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हैं ये इन्वर्टर का इस तरीके से कनेक्शन करना है, जो कि मैंने पिछली अपने चैनल पे वीडियो बनाई है पूरा कनेक्शन कैसे क्या करना है। ये इधर से इंडिकेटर के हैं जो कि इधर गए हुए हैं, ये सामने आपके पैनल के लिए, और इधर ये जो स्विच लगी है इससे आपका ये जो है स्विच का कनेक्शन यहाँ पे आया था, तो मैंने थोड़ा सा वायर लंबा करके इसमें लगा दिया है। इधर बाकी के कनेक्शन, इधर यहाँ पे बैटरी का निगेटिव, यहाँ पे आपका ये देख पा रहे हैं ये बैटरी का पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये कनेक्शन इसमें हो गए और इसमें नट बोल्ट से अच्छे से आपको रिंच से या प्लास से अच्छे से टाइट कर देना है। तो दोस्तों अब हम आपको जो है इसको चला के भी दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों अब मैं इसको यहाँ पे देखिए एमसीबी को ऑन करता हूँ, तो देखिए एमसीबी ऑन हुई, इन्वर्टर भी मेरा ऑन था, तो यहाँ पे एक पार है इस तरीके से इसमें वोल्टेज दिखाई दे रहे हैं। और ये फ्रिक्वेंसी अभी इसलिए कम ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर अगर हम 2.5 माइक्रोफेरेट का लगाएंगे तो ये फ्रिक्वेंसी दिखाना चालू कर देगा। और दोस्तों अभी मैंने इसका फ़ैन का एक वायर टूटा है, तो इसको अभी मैं जोड़ूंगा तो फैन भी इस ट्रांसफार्मर के जरिए चलने लगेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरीके से इसका इंडिकेशन आ रहा है, और जैसे ही मैं यहाँ पे देखिए ऑफ़ करता हूँ, ये देखिए बंद हो गया, ये देखिए फिर से चालू हो गया। और उधर आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोनों मीटर दिखाई दे रहे होंगे, तो इन्वर्टर अभी चालू है। और अब मैं इन्वर्टर को बंद करता हूँ, देखिए बंद हो गया। और अब मैं दोबारा से इन्वर्टर को चालू करता हूँ, तो 1, 2, 3 ये देखिए दोस्तों, तो 210 वोल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 215 वोल्ट। हम इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं प्रीसेट की मदद से। तो दोस्तों यहाँ पे ये आउटपुट का प्रीसेट है, यहीं से हम इसको कम या ज़्यादा वोल्टेज को कर सकते हैं, हमें कितने वोल्टेज आउटपुट में चाहिए। तो अब मैं पहले फ़ैन का कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसके चार्जिंग वगैरह भी चला के दिखाता हूँ। दोस्तों इसमें देखिए मैंने रेक्टिफायर लगा करके, कैपेसिटर लगा के करंट को फिल्टर कर दिया, और इसको मैंने एसी को डीसी में कन्वर्ट करके 12 वोल्ट इसमें फैन में दे दिया। और अब हम स्विच को ऑन करेंगे, देखिए इस तरीके से फ़ैन भी रन करने लगा। तो दोस्तों इस तरीके से अब हम इसकी चार्जिंग भी चेक कर लेंगे। दोस्तों अब आप देख पा रहे हैं इसमें हमने पूरा फिट कर दिया है इन्वर्टर को, और इसमें जो है देखिए फ़ैन भी चालू है और अभी यहाँ पे चार्जिंग भी स्टार्ट है इसकी। जब ये चार्जिंग फुल हो जाएगी तो ये चार्जिंग का इंडिकेशन बंद
हो जाएगा, जो ये जल रहा है बल्ब, ये हमारा बल्ब बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से 20 एम्पियर देखिए चार्जिंग ले रहा है और बैटरी के वोल्टेज 14.45 पहुंच चुके हैं, जो कि मैंने मल्टीमीटर को इधर लगाया हुआ है और इधर ये देख पा रहे हैं आउटपुट है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट हमें दिखा रहा है, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी हमें मिल रही है। और इधर आप देख पा रहे हैं 20 एम्पियर से बैटरी को ये कर रहा है चार्ज। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसकी चार्जिंग सेटिंग भी कर दी है। ये चार्जिंग कट का प्रीसेट है, ये चार्जिंग वोल्टेज का प्रीसेट है और इधर ये फ्रिक्वेंसी है, आउटपुट वोल्टेज है और इधर ड्राइव है और इधर ये ओवरलोड सेट करने के लिए। इसमें बाकी सारी सेटिंग हम कर सकते हैं। तो आइए अब हम आपको इसका एक बार कट ऑफ भी दिखा देते हैं, कैसे इसका कट ऑफ काम करता है दोस्तों। तो आइए अब हम आपको इसका कट ऑफ भी दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए अब इसमें जो है चार्जिंग कट ऑफ लग चुका है और ये बैटरी को फुल चार्ज इसने शो कर दिया, इंडिकेटर बंद हो गया चार्जिंग का और इधर बैटरी के वोल्टेज 14.18 है। मैं आपको एक बार इसके मैं दोबारा से टेस्टिंग दिखा देता हूँ और यहाँ पे एम्पियर भी देखिए कम करने लगा है दोस्तों। ये अभी जीरो हो जाएंगे जब बैटरी हमारी फुली चार्ज्ड हो जाएगी दोस्तों। अभी ये जो है आपको देखिए 16 एम्पियर से चार्जिंग अभी दिखा रहा है, 16-17 एम्पियर से, और मैंने मल्टीमीटर को दोनों इसमें लगा दिया है, दोनों पॉइंट में बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव में इस तरीके से। और अब हम आपको इधर दिखाते हैं इसमें। तो पहले से मैं थोड़ी सी बैटरी को डाउन कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब हमने इसको दोबारा से चार्जिंग पे लगाया, मैं थोड़ी सी बैटरी को डाउन कर लिया है जिससे कि अब बैटरी के वोल्टेज देखिए 13.47 पहुंच चुके हैं और देखिए वोल्टेज दोबारा से गेन कर रहा है क्योंकि चार्जिंग इसने उठा ली है वापस से 20 एम्पियर से और इधर ये चार्जिंग का इंडिकेटर भी जल रहा है। तो आइए अब हम देखेंगे बैटरी के वोल्टेजेस कहाँ तक लेके जाता है और कहाँ पर कट ऑफ लगाता है। ये जहाँ पर मैंने सेट किया है वहीं पर ये कट ऑफ लगाएगा। तो दोस्तों अब आप इसमें ध्यान देंगे इंडिकेटर पे और इस मल्टीमीटर पे, तो देखिए बैटरी के वोल्टेजेस इस तरीके से गेन हो रहे हैं और देखिए ये मैंने थोड़ा सा लोड और कम किया, देखिए बैटरी के वोल्टेजेस और अब जा रहे हैं 14.35। तो देखेंगे हम कितने में ये कट ऑफ लगाता है। तो अभी ये 14.38 पहुँच चुके हैं, 14.39 इस तरीके से इसके वोल्टेज अभी गेन हो रहे हैं। मैंने बैटरी को थोड़ा सा डाउन किया था तो बैटरी को वापस से चार्ज करेगा जितने में मैंने कट ऑफ सेट किया है और उसके बाद देखिए 14.44 वोल्ट हो चुके हैं। इस तरीके से वोल्टेज गेन कर रही है बैटरी धीरे धीरे। अगर हमारी बैटरी डाउन नहीं होती ज़्यादा तो मैंने डाउन ज़्यादा किया इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है वोल्टेज गेन होने में इसके। तो इस तरीके से देखिए 14.50 वोल्ट तक पहुँच चुका है। तो अभी हम इसको देखते ही जाते हैं कहाँ तक ये देखिए यहाँ पे इंडिकेटर बंद हुआ दोस्तों और यहाँ पे 14.20 पे बैटरी को लाके स्टेबल कर दिया। तो अब ये इन्वर्टर जो है ये 14.20 यानी 14.20 के नीचे बैटरी को लेके नहीं जाएगा, ये थोड़ा बहुत पॉइंट में आ सकता है 19-15 से 25 के बीच में ये वोल्टेज इसका स्टेबल बना रहेगा। और ये देखिए 14.50 पे इसने कट ऑफ लगाया और ये बरकरार चल रहा है और इधर एम्पियर भी इसने डाउन कर दिए हैं, देखिए 16 एम्पियर पे आ गया है ये चार्जिंग जो कि 20 एम्पियर पे चार्जिंग कर रहा था। तो अब ये देखिए 19 पे रुका हुआ है 14.19 पे, तो ये बस अब इतने में ही चार्जिंग करता रहेगा दोस्तों और इसमें अब कोई भी दिक्कत नहीं है और बाकी ये पूरा इन्वर्टर ओके है। तो इस तरीके से अपने इन कबाड़ में पड़े इन्वर्टर को रिपेयर करें और इसको फालतू में फेंकें नहीं, ये 5-6 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये अपने बचाएं इस इन्वर्टर को बना करके सिर्फ इस पीसीबी को लगा करके। तो दोस्तों ये 1-to-1 किट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को अब सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बैक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।